फेस मास्क, यानी चेहरे पे ऐसा मास्क जो कि आपके चेहरे के सारे ऐबों को दूर करने में मदद करे, मीन्स आपके चेहरे की स्किन के सारे ऐबों को दूर करने में मदद करे। आज हम आपको ऐसा ही एक फेस मास्क बताएंगे जो आप अपनी हथेली पे दो चीज़ें रख के तैयार कर सकते हैं दो मिनट के अंदर, और 15 मिनट लगा के आप चेहरे के सारे ऐब को दूर करके चेहरे को महीने भर के अंदर चमकदार बना सकते हैं। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज हम आपको बताएंगे एक चमकृत करने वाला फेस पैक। चमकृत वर्ड हमने इसलिए यूज़ करा क्योंकि ये इस फेस पैक जिसकी महत्ता आपके चेहरे को चमकदार बनाना है, उसके जो आप पे प्रभाव पड़ता है, उसका इस्तेमाल से आपको फायदा होता है, उसकी श्रेणी इतनी उच्च है कि ये वर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चमकता हुआ चेहरा सबकी ख्वाहिश होती है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो ना सोचते हों कि उनका चेहरा अच्छा ना दिखे, चमकता हुआ ना दिखे, साफ ना दिखे। तो साथियों, एक हम आपको इतना बेहतरीन फेस पैक बताएंगे जो आपके चेहरे पे चमक लाएगा, चेहरे को साफ करेगा, क्योंकि यह आपके चेहरे के फेस सेल्स को, जो टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं स्किन की, उसको नरिश करेगा। और जब नरिशमेंट बहुत अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है कि आपका चेहरे का एक एक सेल उसके बारे में बोलेगा। और साथियों, बहुत ही आसान फेस पैक है ये, आप खुद कहेंगे कितना आसान है। इसके लिए साथियों, आपको कुछ भी नहीं करना है। एक तरह से आपको बस थोड़ा सा दही यानी योगर्ट एक चम्मच ले लेना है। उस दही में आपको एक चम्मच संतरे का रस मिला देना है, संतरे का रस यानी ऑरेंज का जूस मिला देना है, फ्रेश ताजा। और आपको आधा चम्मच या 4-6 बूंद शहद डाल देना है। इन तीनों चीजों को आपको मिला लेना है, अपनी हथेली पे ले लेना है, इसको थोड़ा रब एनर्जाइज कर लेना है और अपने फेस पे अप्लाई कर देना है। 15 मिनट इसको लगा छोड़ देना है सुबह सुबह, और फिर चेहरे को धो लेना है। बस उस फेस पैक को हटाने के बाद जब आपकी त्वचा आएगी तो वो त्वचा नहीं, वो रेडिएशन स्किन होगी, रेडिएट करती हुई स्किन होगी, एनर्जी को रेडिएट कर रही होगी, ऊर्जा को, चमक को रेडिएट कर रही होगी। मेरा ख्याल ये आपको कठिन नहीं लगा होगा। मैं फिर आपको और आसान तरीके से बता देता हूँ। अपनी हथेली लीजिए, इस पे 2 चम्मच आप दही डाल लीजिए, 1 चम्मच आप ऑरेंज का जूस डाल लीजिए, 2-4 बूंद शहद डाल लीजिए, ऐसे ही रब कर लीजिए, मिक्स हो जाएगा, एनर्जाइज कर लीजिए थोड़ा सा, चेहरे पे लगा लीजिए। बस 15 मिनट लगा रहने दीजिए, फिर चेहरा धो लीजिए। जो आपकी 5 मिनट की मेहनत है साथियों, यह 5 मिनट की मेहनत आपको 15 घंटे इस समाज के सामने मजबूती से स्थापित करने में मदद करेगी। आप सोचते होंगे 2 बातें, पहली बात ये कि हम बोलते बहुत हैं, और दूसरी बात आप सोचते होंगे कि इतने उदाहरणों के साथ समझाने की क्या आवश्यकता है। तो साथियों, बोलते हम इसलिए हैं कि जो है वह बोलने से हम अपने दिल की भावना आपके साथ शेयर कर लेते हैं, क्योंकि आप हमारा परिवार हैं, एक अपना यूट्यूब परिवार, एक अपना फेसबुक परिवार है, इसका आप एक हिस्सा हैं। और दूसरी बात जो है कि उदाहरण क्यों देते हैं, उदाहरण आपको देते हैं मोटिवेशन के लिए।
कहीं ना कहीं से हर किसी को प्रेरणा मिलती है। बड़े से बड़ा संत हुआ है, बड़े से बड़ा एक शख्सियत हुई है पूरे विश्व में, वो किसी ना किसी बात से प्रेरित हुई है। तो मैं वही आपको एक जगाने की कोशिश करता हूँ कि आप जागें और अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर करें, और मेहनत का पैसा कॉस्मेटिक्स में ना जाया होने दें। मैं विरोधी हूँ कॉस्मेटिक्स का। आप इस नुस्खे को करिए साथियों, और अगर आपके मन में सवाल है यह क्यों काम करेगा, तो वो भी हम आपको बताते हैं कि क्यों काम करेगा। इस खूबसूरत घरेलू नुस्खे का साथियों जो पहला कंटेंट है दही यानी योगर्ट, योगर्ट में साथियों अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड AHA पाया जाता है जो डेड सेल्स को रिमूव करेगा, और डेड सेल्स को रिमूव करेगा तो आपका चेहरा साफ होगा, और यही फेस मास्क का मकसद होता है। और साथियों जो इसका दूसरा इंग्रेडिएंट है ऑरेंज, ऑरेंज में साथियों प्रो विटामिन ए पाया जाता है। यह प्रो विटामिन ए आपकी स्किन को नरिश करता है। और शहद साथियों हम सब जानते हैं वो शहद वो एक कुदरत का एक मतलब एक हम लोगों के लिए वरदान है, जिसमें 181 एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं सेल फॉर्मेशन के, और जिसमें 18 अमीनो एसिड, जिसमें कि प्रोलाइन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो साथियों आप इस नुस्खे को कर सकते हैं, आपको लाभ होगा। आप इसको करिएगा और हमें बताइएगा कमेंट पोर्शन में लिख के आप आनंदित हुए कि नहीं। आपका मन आपके तन के आनंदित होने पे मन भी आनंदित हुआ कि नहीं। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दे सकें। निवेदन करेंगे साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन क्लिक करके अपना आशीर्वाद हम पर यूं ही बनाए रखिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।